हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक एंड आल्सो फॉर नेक्स्ट पीरियड ऑफ दिस मंथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी लॉस के साथ ट्रेड कर रहा है, लगभग 2.16% डाउन, 360 पॉइंट लॉस के साथ। और ये निफ्टी का तीसरा महीना होगा अगर हम नेगेटिव में बंद होते हैं। तो लास्ट मंथ हमने लगभग 550 पॉइंट का लॉस देखा था, 3% नीचे बंद हुआ था। उससे पहले जो है तो लगभग 2% का लॉस, 330 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। तो यहाँ क्लियरली लॉन्ग टर्म चार्ट पे करेक्टिव पैटर्न चालू है और करेक्टिव वेव जो है तो वो कंटिन्यू हो रही है। यहाँ नीचे की तरफ अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो 15,250 ये पहला सपोर्ट दिखता है, जो कि है 20 मंथ का एवरेज। उसके नीचे 13,500 ये है लगभग 50 मंथ का एवरेज। और ये मुझे लगता है कि इस साल के लिए टारगेट हो सकते हैं निफ्टी के। तो यहाँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो है पोर्टफोलियो में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अभी भी आपकी प्रॉफिटेबल पोजीशन है तो आपको एक तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि या फिर जो है तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि एक डीपर करेक्शन आने वाला है। और जो अगर हालात बुरे होते हैं इन्फ्लेशन फ्रंट पे और बाकी वॉर फ्रंट पे तो हम जो है तो 11,500 के लेवल की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये रहेगा डीपर करेक्शन। तो यहाँ जो रैली हुई थी उसका 2/3 रिट्रेसमेंट हो सकता है, और उसका 2/3 रिट्रेसमेंट जो है तो लगभग 10-11,000 के अराउंड आता है, 11,000 के अराउंड आता है। तो उतना आपको आने वाले 1 से 2 सालों में देखने को मिल सकते हैं वो लेवल। तो यहाँ जो भी प्रॉफिटेबल पोजीशन है उसको प्लीज़ एक स्टॉप लॉस लगाइए, जो भी इन्वेस्टमेंट पोजीशन है उनके लिए। तो ये रहा मंथली व्यू। यहाँ क्लियरली करेक्टिव पैटर्न है और हम जो है तो 15,250 के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो इस वीक हम लगभग 2.3% नीचे बंद हुए, लगभग 390 पॉइंट लॉस के साथ। लास्ट वीक हमने जो है तो 1.7% के गेन देखे थे, लगभग 280 पॉइंट के गेन के साथ निफ्टी बंद हुआ था। लास्ट 3 हफ्तों के गेन के बाद इस हफ्ते जो है तो फिर से निफ्टी ने वीक वैली दिखाई है और ये कंटिन्यू किया है जो सेल ऑफ का वेव है। यह बाउंस बैक देने के बाद अभी जो है तो फिर से हम लोअर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह मंथली लो जो है पिछले महीने का लो था वो 15,733 था, अगर वो टूट जाता है तो 15,400 और उसके बाद में जो है तो लगभग 14,700 के लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं इस मंथ में। और इस मंथ का मेरा जो टारगेट था मैंने पहले भी बताया था आपको 15,000 के अराउंड है, तो उसके तरफ हम धीरे धीरे इंच हो रहे हैं। यहाँ वीकली चार्ट पे भी करेक्टिव पैटर्न है और ऊपर के लेवल की तरफ जो है तो अच्छा खासा सप्लाई आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम जो है तो 20 और 50 वीक का जो एवरेज उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और अभी हम जो जर्नी कर रहे हैं वो है लगभग 100 और 200 डेज के एवरेज के तरफ। तो यहाँ आपको 15,400 और लगभग उसके बाद में 14,700 के टारगेट पकड़ के चलने चाहिए मीडियम टर्म में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है जैसे कहा था कि हमने 200 डेज के एवरेज की तरफ बाउंस बैक किया था, वहां से फिर से रिजेक्शन आया। तो ये रिजेक्शन जो है तो आपको एक नया लो देखने को मिलेगा 15,700 के नीचे, जो लेकर जाएगा इसको अराउंड 15,000 और 15,100 के लेवल की तरफ फॉर दिस मंथ। तो यह अच्छी खासी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी थी जब हम निफ्टी जो है तो 16,800 के अराउंड आया था, तो उस लेवल के तरफ जो है तो शॉर्ट करने की अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी, वो ऑलरेडी पेड ऑफ हो चुकी है क्योंकि वो उस लेवल से हम 600 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अभी अगले वीक के लिए जो मेरा ये रहेगा तो आपको अगले वीक में जो है तो सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए। आपको निफ्टी सेल करना है 16,400 से लेकर 500 के रेंज में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 200 पॉइंट का और जो टारगेट रहेगा आपका वो रहेगा 15,950 का और उसके बाद में 15,750 का। तो ऊपर की तरफ अगर बाउंस बैक आता है, और बाउंस बैक आएंगे, यहाँ वोलाटाइल मूव रहेंगे न्यूज फ्लो पे, मगर आपको सेल ऑन राइज व्यू रखना है वो भी स्टॉप लॉस के साथ। तो अगले वीक के लिए रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 16,400 16,500, स्टॉप लॉस 16,700 के ऊपर, टारगेट 15,950
और उसके बाद में 15,750, तो ये दो टारगेट रहेंगे। और यहाँ अगर बाउंस बैक आता है तो उस बाउंस बैक को एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूज़ कीजिए। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो बाउंस बैक पे आपको जो है तो 16,400 या 16,500 का जो पुट ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी का या फिर अगले मंथली एक्सपायरी का, उस पर आपको एक्युमुलेट करना है। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 200 पॉइंट फ्यूचर अगर अगेंस्ट मूव होता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर निफ्टी 15,950 और 15,750 के टारगेट अचीव करता है तो उस ऑप्शन में आपको 2x गेन प्लस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, 16,400 16,500 के अराउंड सेल करना है निफ्टी को, स्टॉप लॉस 16,700 के ऊपर, टारगेट 15,950 15,750 ये टारगेट रहेंगे अगले वीक के लिए। और यहाँ क्लियरली जो है तो डेली चार्ट पे तो आपको ये रिजेक्शन दिख रहा है, ये रिजेक्शन जो है तो ये जैसे बॉटम की तरफ जाएगा तो आपको ये और मोमेंटम पकड़ते हुए दिखेगा। जैसे हम 15,700 के अराउंड जाएंगे वहाँ से आपको जो है तो शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो है तो बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, मार्जिन कॉल ट्रिगर होंगी। तो 15,700 के अराउंड आपको जो है तो मार्केट में एक मोमेंटम बनती हुई दिखेगा। यहाँ जो है तो या थोड़ा सा साइडवेज या फिर थोड़ा सा बाउंस बैक भी आ सकता है, मगर मुझे लगता है कि बॉटम की तरफ कोई भी बाउंस बैक नहीं आएगा, आपको जो है तो कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने को मिलेगा। 15,000 और उसके बाद में 14,700 के भी लेवल जो है तो निफ्टी दिखा सकता है। तो यहाँ क्लियरली सेल ऑन राइज व्यू रखना है और हमें जो है तो एट द मनी पुट ऑप्शन जो है तो उस पर फोकस करना है 16,400 और 16,500 के, वो भी बाउंस बैक आने पर। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में श्योर शॉट फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल चाहिए तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.